सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ये थोड़ा सा डांस था और जो हम लोगों ने डांस किया है ना, वो मैं पूरी क्लिप डालूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसमें मैं ऐड नहीं लगाऊंगी, कॉपीराइट वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो वीडियो लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, फुल डांस वाली। और यहाँ पर अभी चढ़ाव चढ़ रहा है, यानी चढ़ाव, सॉरी, चढ़ाव नहीं चढ़ रहा यार, क्या बोल रही हूँ, तेल चढ़ रहा। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि अब तेल अगर पहले नहीं चढ़ पाता है तो शादी के टाइम में चढ़ जाता है, तो यहाँ पर तेल चढ़ाने वाली रस्म हो रही है। जो पंडित जी चढ़ा रहे हैं, तेल चढ़ाने के बाद यहाँ पर चढ़ेगा चढ़ाव, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फिलहाल अभी आप लोग देखिए कि तेल चढ़ाने की रस्म कैसे होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, मतलब जब हम लोगों की शादी थी आपके भैया के साथ, तो तेल वगैरह की रस्म जो थी वो पहले ही हो गई थी। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, ये भी मैंने फर्स्ट बार देखा है। तो आप लोग थोड़ी सी रियल वॉइस सुनिए कि कैसे क्या हो रहा है। और यहाँ पर लोग गाना भी गा रहे हैं, यानी कि जो गाना गाते हैं ना गाँव में, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, तो आप लोग सुनिए, ठीक है। दूसर का प्रकट में तेल डाल दे, अब मैं और है के मुंह दुखता है, तो ही तो डाल दे, अब नहीं मिले तो क्या करूं, अब मैं कौड़ी हूं अपनी, और ले है ना तेल के, दूसर कपड़ा डाल दे भाई, अब मैं ले लेंगे अपन काम कर, अब है मैं तेल डाल दे, मैं और है ना टाइम थोड़ा थोड़ा गम गम द्वारा अंगराजा गम गम जल्दी जल्दी करके फ्रेश चढ़ाओ और इसके फल का तेल को छुए बजा हां जल्दी हम तो वरम काम दम प्रतिवार जनम नव भागवतम के वो परिपूर्ण सदा से होंगे ब्रह्म यानि ब्रह्म वंदे से हीरोइना थोड़ा चेहरा खोल दे, बोला देख घूमट है कौर करी देरिया दिले से नहाए रानी के तो गाइस, रात के बज रहे हैं, लगभग 2:30 बज रहे हैं और सभी लोग चाय पी रहे थे और मुझे लग रही थी ठंड, तो मैंने जैकेट डाल ली, हेयर उड़े उड़े से हैं। और 2:30 बजे सब लोग चाय पी रहे हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, ये रही हमारी चाय। और बाबू अब जाके सोई है, जब से सुलाते सुलाते मारी हूँ, डांटी हूँ तब जाके सोई है, पीछे सो रही है। मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देते हैं 2:30 बजे और शादी होने जा रही है, अभी चलते हैं आप लोगों को शादी दिखाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए हैं नीचे, जहाँ पर शादी हो रही है वहाँ पर ये सारी रस्में हो रही हैं, शादी होने की मतलब की तैयारी हो रही है। और पंडित जी हैं, कैमरा मैन है, मतलब सभी लोग हैं जिन्हें जिन्हें शादी देखनी है वो सब बैठ गए हैं, लड़के वाले पक्ष के, लड़की वाले पक्ष के, दोनों तरफ के। और हमारे यहाँ जो शगुन होता है, पियरी ही पहन के शगुन माना जाता है कि पियरी ही पहन के शादी होती है, तो मेरी भी पियरी पहन के ही शादी हुई थी। मतलब पहले के लोग, ये जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो बोलते थे ना कि पीला वस्त्र शुभ होता है, और जो आजकल लड़के कोट पैंट ये सारी शेरवानी पहनते हैं ना, तो पहले जामा चलता था, मतलब जामा बोलते थे गांव में, कहीं कहीं मतलब अलग अलग चीज़ से बोली जाती थी, तो पीला ड्रेस पहना जाता था। और पहले की आप वीडियो देखेंगे कभी, तो दूल्हा भी पीला वस्त्र ही पहनते थे, उनको मतलब कलर कर दिया जाता या जो भी होता था पीला ही पहनते थे। जब मैं छोटी थी ना, मुझे याद है गांव में शादी हुई थी, गर्मी में हम गए थे, तो वहां पर लड़के ने भी पीला कपड़ा पहन रखा था। लड़कों के तो चेंज हो गए, लेकिन अभी तक लड़कियों के नहीं चेंज हो पाए, क्योंकि सब यही बोलने लगते हैं नहीं पीला ही शुभ होता है, पीला ही पहनना चाहिए। लड़कों का तो रिवाज बदलवा दिया, लेकिन
औरतों के लिए वही रूल्स वही सब कुछ, मतलब चाहकर भी वो चीज़ें नहीं बदल सकती औरतों के लिए। और ये सारी चीज़ें बैड में मत लीजिएगा, क्या बोलते हैं यार उसको, कि निगेटिव में मत लीजिएगा। लेकिन ये सच्चाई अब खुद ही सोचो कि लड़कों की चीज़ें बदल गई लेकिन लड़कियों की चीज़ें आज भी वही है, आज भी उन्हें वही परम्परा निभानी है, वही चीज़ें करनी है, लड़कों के लिए अलग नहीं लड़कियों के लिए अलग है, तो वो है रियलिटी है ना। तो बस यहाँ पर शादी हो रही है और चलिए अब हम आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। तो सबको मैंने दिखा दिया अच्छे से किस तरीके से यहाँ पर शादी होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं, एक मिनट, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, मैंने कहा चलो आप लोगों को मॉर्निंग विश कर देते हैं। और सुबह तो जैसे आप लोगों को पता ही कि व्यू जो होता है काफ़ी अच्छा वाला होता है, चारों तरफ कोहरा कोहरा, लेकिन आज गांव में कोहरा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है और खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए बैकग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मैं जहाँ पर बैठी हुई थी मैं वहीं पर आप लोगों को मॉर्निंग विश कर रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ था टेंट जहाँ पर हुआ था जयमाल, ये देखिए देखा यहीं पर अंदर हुआ था जयमाल। और अभी हम लोग यहीं पर, ये देखिए ब्रश वगैरह सब लोगों ने किया है, ये देखिए व्यू काफ़ी अच्छा लगता है गांव में देखने को। और यहाँ पर इस तरीके से टटिया लगी हुई है और ऊपर भी हमको लग रहा है कि चीज़ का पेड़ है, मुझे लग रहा है कोहड़े का है शायद, कोहड़े या कद्दू, हाँ कद्दू कोहड़ा ही होता है यार, कोहड़े का ही है। तो बस मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो चुकी है आप लोगों के साथ, और शायद थोड़ी सी मैं दिखा पाई, फिर मैं सो गई थी ढाई तीन घंटे के लिए, ढाई तीन घंटा ऐसे ही कुछ था, फिर उसके बाद हम सो गए थे। और अभी देखते हैं विदाई तक रुक पाते हैं कि नहीं रुक पाते हैं, आगे पता चलेगा। और आपके भैया पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, वही हम देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हो रहा था डांस, क्योंकि हम हैं छत पर, सो चलिए अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हमने कहा मॉर्निंग विश कर देते हैं, ब्लॉगिंग की स्टार्ट, ब्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं, वरना फिर ब्लॉग का स्टार्ट तो हो नहीं पाएगा। और इधर का भी व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इधर वाला भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखो यार, इधर तो हर तरफ हरियाली, हाँ इधर तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये देखिए सो है ना उधर ना काफी हरा हरा है। सो गाइस हमने कहा चलो आपको दिखा देते हैं, अब मिलते हैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। हेलो, खींच लिए, हमने कहा ब्लॉग का स्टार्ट कर देना यार। चलिए हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग, ये रात भर क्या कर रही है, तांडव कर रही है। तांडव नहीं किए, चार बजे जगह पाए तब सोए हैं, इनको पहले दे दिए थे चार पाई की। आप तो बता चुकी हो ना, बार बार मैं बताऊं कि चार पाई दे दी, नीचे सोए मैं, नीचे नहीं सोने। बार बार आप लोगों को बता रही कि भाभी नीचे सुला, मैं नीचे सोने की बात नहीं बोली, मैं आप लोग आराम से सोइए, हम लोग जहाँ पर जाएंगे वहीं सो जाएंगे, क्योंकि इनको सोना तो था नहीं, इनको रात भर तांडव करना था। हमको मजा आती शादी ब्याह में, हमें भी आती, इसलिए मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मजा आती इसीलिए तो इनका सर दर्द होने लगता। अचानक से सो गए पता नहीं चला, सो वीडियो रुक जाओ, पीछे वीडियो बना दे रहे हैं। हाँ बोलो, एक्शन करोगे ना? हाँ ये बोल दो कि दूल्हे का भाई है ना। अच्छा, और ये है मधु जी के भाई यानी कि दूल्हे के भाई, एक्शन करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। हाय दोस्तों, एक लाइक जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में, बाद तक के लिए बाय। सो गाइस जैसा आपको मैंने दिखाया था कि फ्रंट कैमरे से कि व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना, तो यहाँ पर कंचन आई, तो कंचन ने कुछ बताया, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाना चाहिए, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, जो लाइया क्या बोलते हैं उसको,
रामदाने का जो लड्डू बनता है, रामदाने का लड्डू, वो यही वाला वो पेड़ है। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूं, आप लोग भी देख लो। मैंने भी फर्स्ट बार देखा, हो सकता मेरी तरह बहुत लोग फर्स्ट बार देखे हों, और बताइएगा ज़रूर किसने किसने फर्स्ट बार देखा है, है ना। तो चलिए अभी नीचे कलावा खाने की रस्म हो रही है, वहाँ आप लोगों को ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे कलावा खाया जाता है, ठीक है। सो गाइस, हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पे कलावा खिलाने की रस्म होती है, हर जगह अलग अलग बोलते हैं और यहाँ पर कलावा बोलते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मतलब जो सुबह लड़के लोग खाते हैं ना मीठा, खिचड़ी, खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी खिचड़ी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो वो यहाँ पर मीठा खिलाया जा रहा है और जितने लोग खाते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। तो बस दूल्हे के साथ जो खास लोग होते हैं वो सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और बीच में बैठे हैं दूल्हे राजा, दूल्हे मियाँ, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। तो वो सारी रस्में चल रही है। और यहाँ पर औरतें जो होती हैं घर की, कुछ मेन होती है ना, तो वो आई थी। और ये तो देवर जी हैं, आप तो इनको पहचानते हो, दिलीप। ये देखिए चारों तरफ से बैठे हैं और सभी लोग, और रिकॉर्डिंग कर रही है बिटिया रानी रिमझिम। मतलब बहुत मदद करती है वो, आप लोग देखो कितनी मदद की है उसने, रिकॉर्डिंग वगैरह की है ना। तो वो चलिए अब छत पर चलते हैं, फिर वहाँ पर मिलते हैं। मैं पीछे ही खड़ी थी रिमझिम के। फिर से हम आ गए छत पर हमारे, और वो हो चुकी है रस्म कलेवा खाने वाली, और अभी इसके बाद रस्म होगी क्या बोलते हैं उसको, जो बाहर निहारन होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। उतना कुछ मुझे भी नहीं पता, जितना पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो नहीं समझ में आएगा जब वॉइस ओवर करूँगी, फिर मम्मी लोगों से पूछ कर वॉइस ओवर करके बता दूँगी, है ना। तो सारी चीज़ें मैंने कहा 20-20 में चल के बता दूँ। और नीचे जो है ना क्या है यार, सॉन्ग यहाँ भी आ रहा, सॉन्ग चल रहा तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसी वजह से मैं कहाँ कहाँ जा जाकर बता रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। हम आ गए हैं वहीं अपनी जगह पे, और इतना टाइम कहाँ गिफ्ट, और इतना टाइम हो गया है, जगह चेंज हो गई आपके भैया यहाँ से यहाँ बैठ गए, हम गए नीचे घूम घाम के चले आए, सब कुछ हो गया, सारा फंक्शन हो गया, और ये यहीं बैठे रह गए, है ना, क्योंकि इनका काम तो है नहीं वहाँ ना, कुछ नहीं है ना। तो बस अब हम कर देते हैं इस ब्लॉग का एंड, और अपना स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।